क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास एक ब्रास बॉयलर है जिसका बेस एरिया दिया है जीरो पॉइंट मीटर स्क्वेयर और इसकी थिकनेस दैट इन लेंथ दी है सेंटीमीटर अगर ये इसकी बॉइलिंग रेट दी है वाटर को बॉयलिंग करने की रेट दी है सिक्स के जी पर मिनट वेन प्लेस ऑन अ गैस फ्लेम या गैस स्टोव तो हमें बताना है एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉयलर जबकि हमें थर्मल कंडक्टिटी ऑफ ग्रास दी है वन जीरो नाइन चूल पर एस पर एम के हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दी है टू टू फाइव सिक्स इंटू टेन सो थ्री चूल पर के जी तो हमें दिया क्या है बेस एरिया ऑफ द बॉयलर ए जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर स्क्वेयर थिकनेस दैट इज लेंथ दिया है वन सेंटीमीटर कन्वर्टेट मीटर दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर बॉइलिंग रेट सिक्स के जी पर मिनट दैट मीनस सिक्स के जी वन मिनट में तो मास हो गया सिक्स के जी और टाइम हो गया वन मिनट दैट इज सिक्स दर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास वन जीरो नाइन जूल पर सेकेंड पर मास पर कैलमिन और हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज टू टू फाइव सिक्स इन टू टें थ्री जूल पर के जी अब हम जानते हैं द अमाउंट ऑफ हिट फ्लोइंग इन अ वाटर थ्रू द ब्रास बेस ऑफ द ब्रॉयर Q इक्वल टू K इंटू ए इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू टी अपॉन एल मतलब कि इतनी हीट जो है वो फ्लो होगी जब हम ब्रास को रखेंगे बॉयलर पर अब सेम अमाउंट ऑफ हीट अब यही होगा हीट रिक्वायर्ड फॉर बॉयलिंग वाटर कितनी होगी Q इक्वल टू एम एल मतलब इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट हमें क्या चाहिए होगी इसको बॉयल करने के लिए चाहिए होगी तो जब q इक्वल टू दिस वन एंड q इक्वल टू दिस वन तो वाई इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से एम इंटू एल इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी अपॉन एल तो t1 वन माइनस टी टू कितना आ जाएगा हमारे पास एम एल एल अपॉन के ए इंटू टी अब हमारे पास मास दिया है l दिया है l दिया है के ए और t सारी वैल्यू हमें दी हुई हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 137.98 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या आया चेंज इन टेम्परेचर अब चूंकि आप यहाँ बॉयलिंग की बात कर रहे हैं तो बॉयलिंग टेम्परेचर आपका T2 कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो T1 वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 137.98 थर्टी सेवन पॉइंट नाइन एट प्लस हंड्रेड दैट इज टू डिग्री सेंटीग्रेड सो द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉयलर इज टू डिग्री सेंटीग्रेड 11.19 क्वेश्चन देखते हैं हमें बताना एक्सप्लेन व्हाई अ बॉडी विथ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ पुअर ए तो अ बॉडी विथ अ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ पुअर एब्जॉर्वर ऑफ द लाइट रेडिएशन अ पुअर एब्जॉर्व एब्जॉर्वर विल इन टर्न बी अ पुअर ए ऑफ द रेडिएशन हैंस अ बॉडी विद अ लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ पुअर ए दैट मीन्स अगर कोई बॉडी हीट रेडिएशन की हाईली रिफ्लेक्ट कर रही है मतलब उसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है तो जब उस पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन आर रिफ्लेक्टिंग दैट मीनस उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो क्या होगी कम रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया कम और हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस जितना ज्यादा एबजॉर्प्शन करता है उतना ही ज्यादा इमिशन करेगा लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन ही कम है तो इसका इमिशन भी क्या होगा कम दैट मीनस

लेकिन अगर हम लकड़ी की ट्रे को या लकड़ी के किसी भी सब्सटेंस को टच करते हैं तो कम ठंडा लगता है तो इसका रीजन ये है जो ब्रास है वो क्या है गुड कंडक्टर तो जब हम ब्रास को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ हीट ब्रास में जाती है जिससे हमारा टेम्परेचर हमारी हीट हीट हमारी बॉडी से क्या हो रहा है हीट निकल रही है दैट तो मीन हमें क्या लगने लगेगा ठंडक महसूस होगी जबकि लकड़ी क्या है क्या पुअर कंडक्टर तो यहां से बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी ना के बराबर इसलिए वो हमें ठंडी नहीं लगती दैट्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेन वन टच इज अ ब्रास टम्बलर हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रास इजिली हैंस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस टू लोअर वैल्यू एंड वन फील्स कूलर और उसमें क्या होगा वो पुअर कंडक्टर है तो वहां से कोई हीट नहीं जाएगी या ना के बराबर जाएगी इसलिए हमें वो ठंडा नहीं लगता है इसी को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट एन ऑप्टिकल पायरोमीटर पायरोमीटर क्या होता है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर कैलिब्रेटेड फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिव्स टू लो अ वैल्यू फॉर द टेम्परेचर ऑफ अ रेड हॉट आयरन पीस इन द ओपन बट गिव्स अ करेक्ट वैल्यू फॉर टेम्परेचर वेन द सेम पीस इज इन द फर्नेस मतलब कि जब इसको ओपन में रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है और जब इसको आयरन फर्नेस में रखते हैं तो इसका जो एमिशन रेट होता है वो ज्यादा होता है तो ऐसा क्यों तो हम जानते हैं तो एमिशन रेट हो होता है जो एमिशन होता है ब्लैक बेडी रेडिएशन का वो इक्वेशन क्या होती है सिग्मा इंटू टी फोर माइनस टी नॉट फोर ये क्वेश्चन कहलाती है स्टीफन बोल्डमैन इक्वेशन यहां सिग्मा क्या है स्टीफन कॉन्स्टेंट टी फोर बॉडी का टेम्परेचर और टी नॉट फोर एटमोस्फेयर का टेम्परेचर अब चूंकि ये ओपन में रखा हुआ है ओपन में रखा रखा होने से यहाँ टी नॉट फोर का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा ज्यादा तो यहाँ रेडिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली यहाँ डिक्रीज हो जाएगा दैट इज देखते हैं एन ऑप्टिकल पायरोमीटर कैलिब्रेटेड फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिव टू लोअर वैल्यू फॉर टेम्परेचर ऑफ अ red hot iron piece kept in the open because by the above equation it is clear as temperature of open surface increases ye value badhegi so the radiation energy decreases yahan hum temperature badhayenge atmosphere ka to hamare paas total answer kya ho jayega decrease ho jayega रेडिएशन कम होंगे लेकिन जब यही काम जो हम iron place uh, में करते हैं iron furnace में रखते हैं तो क्या होगा सराउंडिंग भी वही हो गया सोर्स भी वही हो गया तो दैट मीन्स क्या हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वल टू सिग्मा टी फोर यह कहलाती स्टीफन इक्वेशन ये है स्टीफन बोल्टमैन इक्वेशन और ये है स्टीफन इक्वेशन तो यहां हमारे लिए सराउंडिंग कुछ है ही नहीं दैट मीन हीट लॉस कम होगी और ये ज्यादा रेडिएशन हो जाएगा द अर्थ विदाउट इज एटमोस्फेयर वुड बी इनहॉस्पिटेबली कोल्ड अगर एटमोस्फियर ना हो तो अर्थ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी ऐसा क्यों हम जानते हैं एटमोस्फेयर किससे मिलकर बना होता है गैसेस से और गैस क्या करती हैं हीट को ट्रैप करती हैं जो हीट आई है वो टकराने के बाद वापस जाती है लेकिन गैसेस क्या कर लेती है उसको ट्रैप कर लेती हैं जिससे हॉटनेस बनी रहती है लेकिन इन द एब्सेंस एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेर गैसेस नो एक्स्ट्रा हीट विल बी ट्रैप्ड ऑल द हीट वुड बी रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस मतलब जितनी भी हीट आएगी वो पूरी चली जाएगी हैंड अर्थ विदाउट एट एटमोसफेयर वुड बी इनहॉस्पिटली कोल्ड इसका ई पार्ट देखते हैं हीटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ स्टीम्स आर मोर इफिशियंट इन वार्मिंग अ बिल्डिंग देन दो बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ वाटर हम जानते हैं जो स्टीम होती है उसमें वाटर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा हीट होती है ड्यू टू लेट एंड हीट इसी कारण से जो हीटिंग सिस्टम होते हैं जो बेस होते हैं सर्कुलेशन ऑफ ही स्टीम आर बेटर और मोर इफिशियंट इन वॉर्मिंग ऑफ बिल्डिंग ऑन सर्कुलेशन ऑफ हॉट वॉटर क्योंकि स्टीम कंटेन्स मोर हीट देन द वॉटर इन द फॉर्म ऑफ लेट एंड हीट वो कितनी होती है लगभग फाइव फोर्टी कैलोरी पर ग्राम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर इलेवन का इलेवन पॉइंट टू जीरो हमारे लिए दिया है अ बॉडी कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन मिनट कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर द सेंटीग्रेडर ऑफ सराउंडिंग इज गिवन 20 डिग्री सेंटीग्रेड वी नो दैट बाई न्यूटन लॉ द रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली पोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के टी वन माइनस टी नॉट या इसी को हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं और ये टी कौन सा होता है ये टी नॉट तो आपका टी नॉट ही है ये टी कौन सा है हमारा जो मीन टेम्परेचर होता है आपकी इनिशियल से लेकर फाइनल कंडीशन उसका और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस ठीक है तो यहां अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में थीटा वन हमारे लिए कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और थीटा टू कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और थीटा कितना हो जाएगा और और थीटा नॉट कितना दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे लिए टाइम दिया है फाइव मिनट फाइव मिनट थ्री हंड्रेड सेकेंड तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा एटी माइनस फिफ्टी अपॉन थ्री हंड्रेड इक्वल टू माइनस के एटी प्लस फिफ्टी अपॉन टू माइनस ट्वेंटी

और जब हम टाइम निकालेंगे तो हमारे पास टाइम कितना आएगा फाइव फोर्टी सेकेंड और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो नाइन मिनट